जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत होंगे। और आज आपसे शेयर करने वाले हैं बहुत ही मज़े की रेसिपी, मटन कुन्ना, चनोटी कुन्ना, जो बहुत ही मशहूर है और बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही टेंडर बनता है और बहुत ही सॉफ्ट होता है। आज हमने बनाया हुआ आपके लिए रेसिपी और अभी आपको दिखाएँगे कि किस तरीके से जो है बिल्कुल नरम जो है वो गोश्त बना हुआ है। इस तरीके आपने जो है रेसिपी बनानी है घर में और हमें जो है आपने अपनी कमेंट्स देने का, आपने कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, कैसा आपने बनाया। चले टाइम के ज़्यादा किए बगैर जो है जल्दी से आपसे रेसिपी शेयर करते हैं। और आप जब रेसिपी बना लेंगे तो आपने इसको कुलचे के साथ सर्व करना है और गार्निश में आपने धनिया, जिंजर, ग्रीन चिली ये डाल के घर में सर्व करना है। चलें जल्दी से आपसे जो है बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े की रेसिपी जो है शेयर करते हैं। जी सबसे पहले हमने लेना है आधा के जी घी और आधा के जी घी जो हमने डाल दिया हुआ है। और चनोटी कुन्ना के लिए स्पेशल जो होता है वो मिट्टी के बर्तन के अंदर जो है वो खाना बनाते हैं, बेसिकली वो हांडी में बना लें या घड़ा नमाज शेप होती है उसके अंदर बनाते हैं, लेकिन हमारे पास अभी तक हम जो है नॉर्मली बना रहे हैं इसकी जगह। लेकिन जो फ्लेवर आएगा, जो टेस्ट आएगा बाकायदा कुन्ने का आएगा, टेक्स्चर जो आएगा बाकायदा कुन्ने का आएगा, जो रेसिपी होगी वो बाकायदा कुन्ने की होगी। और घी हमारा गर्म हो रहा है और यहाँ हम अब डालेंगे 40 ग्राम जिंजर गार्लिक का पेस्ट, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर, क्या छोटे डालेंगे इसको। और यहाँ हमने जो है स्पेशल एक कटिंग ली हुई है मटन की, शैन के मीट की, आप सुनना जब भी बनाए तो ये कटिंग जो आप लें। और एक के जी हमने लिया हुआ है वो डाल देंगे इसके अंदर और साथ में हम प्याज उसको ऐड कर देंगे। प्याज जो हमने 200 ग्राम लिया हुआ है स्लाइस वाला वो ऐड करेंगे इसके साथ। और अब हम अपने मटन की जो है वो अच्छे तरीके से बनाई करेंगे, बाकी से जो है सब कुछ करने के बाद बाकी के मसाले वगैरह ऐड करके। जी मटन की दो मिनट हमने बनाई कर ली, अब हम अपना मसाला वगैरह ऐड करेंगे बस के बाद जो बनाई करेंगे। नमक हमने अभी फ़िलहाल 20 ग्राम डाल रहे हैं इसके अंदर, आप जो है इस पर टेस्ट डाल सकते हैं, इसको शुरू में कम ही रखते हैं। जी रेड चिली पाउडर जो है वो 25 ग्राम है वो ऐड करेंगे इसके अंदर। हल्दी हमने 5 ग्राम ली है वो ऐड करेंगे। और ज़ीरा जो काला ज़ीरा, शाह ज़ीरा जिसको बोलते हैं हमने, वो 10 ग्राम लिया है वो ऐड कर देंगे साथ में। और सारी चीज़ों को मिक्स करें। और यहाँ जो है आप जो है 50 ml जो है पानी या मैक्सिमम 100 ml पानी आप थोड़ा सा ब्लू पानी डालेंगे ताकि मसाला जल ना जाए हमारा बेसिकली, और मटन की हमने जो है बनाई करनी है। हमने 100 ml पानी इसके अंदर ऐड कर दिया, अब जो है मटन के और अपने मसाले को अच्छी तरीके से भून लेंगे। और जब तक हमारा प्याज जो है वो फ्राई नहीं हो जाता, जो दाना जो उसका प्याज ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक हमने इसकी बनाई करनी है 5 से 7 मिनट तक, जिंजर गार्लिक पेस्ट और प्याज हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया। और अगर आपका इसी दौरान के अंदर जो है जब आप बुनाई कर रहे हैं तो मसाला थोड़ा ड्राई होना शुरू हो जाए तो आप बिल्कुल 50 ml पानी जो है वो डाल के बुनाई कर सकते हैं। जी यहाँ जो है हमारी 4 से 5 मिनट में मटन की बनाई हो चुकी है, आग हमने थोड़ी स्लो रख के बनाई की है ताकि ऑयल छोड़ दे मटन और हमारा प्याज जो है वो प्रॉपरली गल जाए। अब हमने पानी डालना है इसके अंदर, अगर आपके पास मटन की यखनी है आप मटन की यखनी भी ऐड कर सकते हैं, पानी ऐड कर सकते हैं। और 2.5 लीटर पानी जो है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ आग थोड़ी हम अपनी तेज़ करेंगे ताकि इसको बॉयल दें और उसके बाद जो है हम अपना 4 से 5 मिनट हमने तेज़ आग पे जो है अपने मटन को पकाया था 1 मिनट के लिए, जैसे ही बॉयल आया था हमने 3 से 4 मिनट के लिए इसको स्लो आग पर पका रहे थे। अभी टेम्परेचर यहाँ तेज़ करेंगे हम लोग। और हमने लिया हुआ है 100 ml दूध, उसके अंदर हमने 100 ग्राम जो है आटा डाला और उसको मिक्स करके लिक्विड शेप का पेस्ट बनाया है वो इसके अंदर ऐड करेंगे। तो आग यहाँ तेज़ करेंगे ताकि गुठलियाँ ना बन जाएं। और 400 ml दूध है और 100 ग्राम हमारा आटा है, अब जो हम ऐड कर देंगे इसमें साथ साथ इसको मिक्स करते रहेंगे।
या हमने फुल थिक नहीं करना क्योंकि हमने इसको पकाना है, ये पूरी पक के जो है थिक हो जाएगा। तेज दाल भी रखेंगे, जैसे इसको बॉयल आ जाएंगे, एक दो बॉयल आ जाएंगे तो उस टाइम जो हम अपनी हीट जो है वो स्लो कर देंगे। ये देखें हमारा जो है बॉयल आना शुरू हो गया है, दो तीन मिनट हो गए हमारे बॉयल को, इसी तरीके से हमने पकाया इसको। अब बिल्कुल हमने धीमी आग पे रखना है, बिल्कुल जो धीमी है वो थी इस पर स्लो हल्के हमें इसको पकाना, ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे और आग बिल्कुल स्लो कर देंगे। हम जो है 25 से 30 मिनट इसको बिल्कुल स्लो आग पे पकाएंगे, और बिल्कुल आग स्लो रखनी है क्योंकि नीचे लग जाते हैं इनका डर रहता है, और बीच में थोड़ा हम इसको मिक्स भी करेंगे चेक करके। और चले हम जैसे हम इसका दम खोलेंगे इसको चेक करने के लिए आपको बताएंगे। जी माशाल्लाह हमने 25 मिनट बाद जो है अपना मटन चेक किया था, उस टाइम जो वो कच्चा था थोड़ा सा, तो फिर हमने 20 मिनट का दम जो है अभी और लगाया था, और मटन जो है हमारा इस टाइम गल चुका है बिल्कुल। एंड अभी आपको दिखाते हैं करी इसकी, देखें बहुत ही मज़े की है, मटन जो है वो बिल्कुल हमारा हलवा हो चुका है। चलें अभी आप जो हम डिश आउट करना बताते हैं कि आपने घर में किस तरीके से इसको सर्व करना है। जी इस तरीके से जो है आपने बॉल किसी के अंदर डाल के आप डिश आउट कर सकते हैं, और माशाल्लाह बहुत ही टेंडर बहुत ही सॉफ्ट बना हुआ है गोश्त हमारा। चले अभी आपको मीट जो है हम दिखाते हैं कि कितना टेंडर मीट बना हुआ है, और टेस्ट अभी मैंने किया था बहुत ही मज़े का। आपने जो है ना हमारी रेसिपी ट्राई करनी और हमें अपना फीडबैक जो है लाजमी देना है।